पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित किए जाने सहित कई अन्य मांगों को लेकर गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र गुट द्वारा गुरुवार से आरंभ अनिश्चितकालीन धरना शुक्रवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। छात्रों ने दूसरे दिन भी गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के गेट पर तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि धरने को समाप्त करने के लिए गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर गोपाल प्रसाद ने 13 अगस्त को कुलपति के आने पर उनकी मांग पर पहल करने की बात की। वहीं छात्रों का कहना है कि कुलपति जब तक स्वयं धरने स्थल पर आकर सकारात्मक जवाब नहीं देते तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए छात्र इंद्रेश यादव ने कहा, देखिए यहाँ के पहले तो जिला प्रशासन का कोई नहीं आया, विश्वविद्यालय प्रशासन के प्रति कुलपति और ये प्रॉक्टर ये हमें बस इतना आश्वासन दे रहे हैं कि 13 तारीख को कुलपति जी आएंगे तभी कोई निर्णय लेंगे। इसका मतलब ये हिला हवाली हम लोग से कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से हम लोगों के साथ ये लोग धोखा कर रहे हैं। तो हम लोग इनके झांसे में आना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रति कुलपति जी फ़ोन से बात होती होगी उनकी, और अगर फ़ोन से बात हो रही है तो वो कुलपति से पूछ लें कि क्या हमको चुनाव का डेट वो लोग देंगे या नहीं देंगे। इतनी सी मांग को लेकर हम लोग बैठे हैं। अगर कुलपति जी ऐसा या प्रति कुलपति प्रॉक्टर अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम लोग कुलपति के आने तक यहाँ हमारा धरना चलता रहेगा। आप लोग 24 घंटा यहाँ पर बैठे हैं? जी जी, हाँ, कल से ही यहाँ बैठा गया है। रात को हम लोग भी यहीं थे, और लगभग जब तक कुलपति जी नहीं आते हैं या कोई हम लोगों को लिखित रूप से कोई आश्वासन बहुत बढ़िया से ठोस रूप से नहीं दिया जाता है तब तक हम लोग यहाँ पर बैठते रहेंगे।